तो जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक नॉर्मल इमेज को कार्टून इमेज में बदलने वाले हैं। अगर आप पाइथन के एक बिगिनर्स हो तो ये वीडियो आपको काफ़ी नया जानने में हेल्प करेगी। अगर आप एक एडवांस यूज़र हो तो आपको ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है, आप काफ़ी हेल्प करेगा आपका जो पुराना नॉलेज है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमंत कुमार आर्या और लॉजिकल स्पॉट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप एक नॉर्मल इमेज को कार्टून इमेज में बदलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप होंगे और कैसे हम एक नॉर्मल इमेज से हम कार्टून इमेज को बनाएंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक नॉर्मल इमेज में से सबसे पहले हमें एक स्केच इमेज बनानी होगी, जिसमें नॉर्मल उसकी जो इमेज की जो एजेस होगी हम उसे एक स्केच के फॉर्म में एक नई इमेज बनाएंगे। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसी इमेज से नॉर्मल इमेज से हम एक पेंटिंग इमेज बनाएंगे, जिसमें हम कलर को काफ़ी क्वांटाइज कर देंगे, हम उस कलर को काफ़ी रिड्यूस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल के मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी नॉर्मल इमेज होती है उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, तो हम क्या करेंगे उसमें से सारे कलर को कम कर देंगे और फिर वो इमेज हमें कुछ पेंटिंग जैसी नजर आने लगेगी। इसे बोलते हैं हम कलर क्वांटाइजेशन। वो आगे आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे इसका एल्गोरिदम काम करता है। अगर आपको के मीन्स के बारे में पता है तो आगे आप और अच्छा समझने वाले हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमको दो इमेजेस मिल चुकी होगी, एक पेंटिंग वाली इमेज और एक स्केच वाली इमेज, लेकिन अगर आपको एक कार्टून इमेज चाहिए तो हम सिंपल क्या करेंगे, दोनों इमेज को मर्ज कर देंगे। यानी कि जो हमारी स्केच वाली जो इमेज थी, जो उसमें हमने एज डिटेक्शन किए थे, उस इमेज को हम जो पेंटिंग वाली इमेज है उसके ऊपर हम उसे लेयर करके एक मास्क कर देंगे और हमको एक कार्टून इमेज मिल जाएगी, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं डायरेक्ट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि इस प्रोग्राम को आप कैसे बना सकते हो। तो गाइस, हमने जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे वी एस कोड ओपन कर लिया है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको कुछ सिर्फ एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, ओपन सी वी। तो विंडोज़ आर की दबा के आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और यहाँ पर लिखना है पिप इंस्टॉल ओपन सी वी कंट्रीब पाइथन। ओके, ये लाइब्रेरी मैंने पहले से इंस्टॉल की है तो फिलहाल अभी मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। आपको ये कमांड लिखने के बाद एंटर कर लेना है। अगर आपको इस कमांड पर कोई एरर आता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इस एरर के बारे में बात की है। तो फिलहाल अभी हम इसे यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ओके, तो इतना काफ़ी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पाइथन फाइल खोलनी है, जैसे कि हम नॉर्मली करते ही हैं। आपको एक नई फाइल बनानी होगी जिसका नाम भी हम यही रख देते हैं कार्टून पाई, और एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एक पाइथन फाइल दिख जाएगी जो अभी एम्प्टी है और हम इसे अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की है उससे पहले हम इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट सी वी टू। ओके, तो ये लाइब्रेरी हमारी इंपोर्ट हो गई है। एक लाइब्रेरी आपको एक और इंपोर्ट करनी है। वैसे तो अगर आप एनाकोंडा यूज़र हैं तो ये आपके उसमें डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होगी पहले से, पर अगर आप नहीं हैं तो आपको ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल वही रहेगा, आपका सी एम डी में जाकर आपको ये टाइप करनी होगी पिप इंस्टॉल नम पाई, तो ये लाइब्रेरी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, तो इसको एज नम एन पी करके हम इंपोर्ट कर लेंगे और फिर इसके बाद आपको एंटर करना है। फिर एक आपको एक फंक्शन बनाना है जो नॉर्मली हम फाइल को इम्पोर्ट करने के लिए करेंगे, मतलब अगर हम कोई इमेज इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसको हम रीड करने के लिए जो है ये फंक्शन बना रहे हैं, तो उसको हम लिख देंगे रीड इमेज, ये नेम ठीक है अभी। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर आई एम जी इज़ इक्वल्स टू सी वी टू डॉट। अब देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो उसमें बताया था कि सी वी टू के अंदर, मतलब जो ओपन सी वी है उसके अंदर एक आई एम रीड करके एक फंक्शन रहता है जो इमेज को रीड करता है। ठीक है, ये एक्चुअली करता क्या है, ये एक पूरी इमेज की मैट्रिक्स को जो है रिटर्न करता है और उसको हम इमेज में ले आएंगे यहाँ। ठीक है, तो ये बाइनरी फॉर्म पे नहीं, ये इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रीड करता है इमेज को। तो यहाँ पर हम डालेंगे आई एम रीड और यहाँ पर हम डाल देंगे कोई फाइल नेम, मतलब इसको अभी हम फाइल नेम करते हैं और यहाँ पर जो पैरामीटर है वहाँ पर को हम फाइल नेम देंगे। ठीक है, ओके, तो इमेज हमको मिल गई है, अब हम इसको डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। ओके, सबसे पहला फंक्शन हमारे लिए तैयार हो गया है जिससे हम इमेज जो है मैट्रिक्स के रूप में लेंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेकंड फंक्शन बनाना है। उस फंक्शन की मदद से हम जो है इमेज में, कोई भी इमेज में हम एज डिटेक्शन करेंगे। अब एज डिटेक्शन क्या होता है, मैंने जैसे आपको इमेज शो की थी कि जिसमें हम ओरिजिनल इमेज से हम उसमें जो एज होते हैं उनको निकालते हैं, मतलब जैसे एक ड्राइंग जैसी होती है पेंसिल की स्केच जैसी,
जिसे हम किसी इमेज में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, नॉर्मली वो एज डिटेक्शन होता है, तो उसे हम करेंगे। तो उसके करने के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, डिफाइन, यहाँ पर हम लिखेंगे एच, यहाँ पर लिखेंगे डिटेक्शन, और डन। उसके बाद यहाँ पर हम जो पैरामीटर है उसमें हम सबसे पहले एक इमेज डालेंगे जो हम उसको मैट्रिक्स के रूप में देंगे, फिर दूसरा हम उसको लाइन का जो विड्थ होगी, ठीक है, हम उसको देंगे और लाइन विड्थ कॉमा। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर होगा वो होगा उसकी जो ब्लर की जो विड्थ होगी, मतलब मैं सॉरी विड्थ कह रहा हूँ, ब्लर की जो अमाउंट होगी इसमें वो। तो फिलहाल इसको हम अभी ब्लर ही रखते हैं। नेक्स्ट जब हम एंटर करेंगे देन उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको एक ग्रे स्केल इमेज बनानी होगी। अब ग्रे स्केल इमेज क्या होती है, ग्रे स्केल इमेज जो होती है वो किसी भी कलर्ड इमेज की ब्लैक एंड वाइट इमेज होती है। तो सबसे पहले हम एक ग्रे स्केल इमेज बनाएंगे, ठीक है, तो उसको हम नाम देते हैं फिलहाल ग्रे इज इक्वल्स टू सी वी टू डॉट, यहाँ पर डालेंगे हम सी वी टी कलर, सी वी टी कलर, और देन उसके बाद उसके अंदर इमेज पास करेंगे। फिर नेक्स्ट एक फ्लैग लगाएंगे सी वी टू, सी वी टू डॉट बी जी आर टू, बी जी आर टू ग्रे, ओके। तो ये हमने फ्लैग पास कर दिया यहाँ पे, और नेक्स्ट फिर उसके बाद हम एंटर करेंगे। तो ये हमारी ग्रे स्केल इमेज मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इस ग्रे स्केल इमेज को थोड़ा ब्लर करेंगे, इमेज जो है थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी, और उससे हमको थोड़ी एज डिटेक्शन में काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ आगे सारी चीज़ें। तो जो ग्रे स्केल इमेज थी अब उसको हमें क्या करना है, ब्लर करना है। नेक्स्ट सी वी टू डॉट, यहाँ पर डालेंगे हम मीडियम ब्लर, मीडियम ब्लर डालने के बाद हम यहाँ पर करेंगे ग्रे जो इमेज हमने बनाई है ऊपर, जो ग्रे स्केल इमेज हमने बनाई है कॉमा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लर वैल्यू डालेंगे जो हमने ऊपर यहाँ पर जो हमने पास कराई है, ठीक है। तो ये ब्लर जो है यहाँ आएगा। नेक्स्ट अब हमको जो इमेज मिल गई है वो एक ब्लैक एंड वाइट इमेज होगी जो ब्लर्ड है, ओके। अब इसमें से हमें एज जो है फाइंड करने होंगे, तो यहाँ पर हम डालेंगे हम एडजस्ट इज इक्वल्स टू सी वी टू डॉट। अब जो इसके अंदर जो फंक्शन होता है जो एज डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम एडेप्टिव थ्रेशहोल्ड, ओके। फिर नेक्स्ट हम इसके अंदर पास करेंगे जो हमने ब्लर्ड इमेज बनाई थी ग्रे ब्लर नाम से। नेक्स्ट फिर कॉमा करके हम यहाँ पर डालेंगे जो मैक्सिमम जो वैल्यू है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे जो कोई भी अगर फंक्शन है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, जैसे मैक्स वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू असाइन टू द पिक्सल फॉर विच द कंडीशन इज सेटिस्फाई। तो फिलहाल भी इससे हम कलर की जो वैल्यू होती है आरजीबी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 255। नेक्स्ट हम कॉमा करेंगे, फिर उसके बाद सी वी टू डॉट एडेप्टिव थ्रेशहोल्ड मीन सी, इसे यहाँ पर पास करेंगे इस फ्लैग को। फिर नेक्स्ट फिर कॉमा लगाएंगे और फिर उसके बाद सी वी टू डॉट थ्रैश बाइनरी, तो नेक्स्ट कॉमा करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे जो लाइन की हमने जो विड्थ थी उसे हम यहाँ पर पास करेंगे लाइन विड्थ। फिर उसके बाद हम जो ब्लर वैल्यू है उसे पास करेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन से जो हमने यहाँ पर यूज किया है इससे हमको एजेस मिल जाएंगे, ठीक है, इमेज के। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था केवल एक एज वाली इमेज होगी जो सिंपल, जिसमें ब्लैक कलर से जो है एजेस होंगे और बाकी उसके अलावा जितना भी कुछ होगा वो सब वाइट होगा। तो इस सिंपल एक एज होगी, इस एज जो हमको मिलेगी हमको इस चीज़ से जितनी भी हमको इस इमेज की एज मिलेगी उसको हम लास्ट में मास्क कर देंगे जो हम दूसरी अभी एक और इमेज हम बनाएंगे इसमें, दूसरा फंक्शन बनाएंगे उसमें। तो फिलहाल अभी इस एज को हमें रिटर्न करना होगा, तो रिटर्न जो भी हमको एजेस मिली हैं हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो हमारा ये दूसरा फंक्शन तैयार हो गया। नेक्स्ट अब हम फंक्शन और तैयार करेंगे जो हमारी दूसरी इमेज तैयार करेगा, कौन सी वाली, जो मैंने आपको बताया था जो एक पेंटिंग लाइक इमेज हमको दिखेगी जिसमें हम जो कलर है उसको थोड़ा क्वांटाइज करेंगे, जिससे इसमें जो कलर जितने ज़्यादा कम होंगे उतनी इमेज जो है लाइक पेंटिंग टाइप दिखेगी, मतलब कार्टून जैसी जो इमेज है वो लगेगी। बाद में हम उस कार्टून इमेज के ऊपर इस एज जो है उसको मास्क कर देंगे इस एज को। तो डिफाइन यहाँ पर हम लिखेंगे कलर क्वांटाइजेशन, ये हमारा फंक्शन है जिसमें हम कलर को क्वांटाइज करेंगे। इसमें हमको सिंपली क्या पास करना होगा, एक इमेज, दूसरा के। अब यहाँ पर हम के मीन क्लस्टरिंग यूज़ करेंगे। अब आपको अगर नहीं पता है के मीन क्लस्टरिंग क्या होती है तो आप पढ़ सकते हो, मशीन लर्निंग में ये होता है। फिलहाल अगर आपको नहीं भी पता है तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हो, मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ उसमें होता क्या है। के मीन क्लस्टरिंग क्या होती है, इसमें एक्चुअली हम जो कोई भी पॉइंट होता है उसके आसपास की वैल्यू को हम डायरेक्ट उसके क्लस्टर में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इमेज ओपन करके दिखाता हूँ,
जैसे ये फ्लावर की इमेज मैंने डाउनलोड की थी, तो इसे अभी मैं ओपन करता हूँ। तो आप जैसे आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, तो इमेज में जैसे ये ब्लू कलर है, यहाँ पे स्काई ब्लू टाइप का जो कलर है। गेमिंग क्लस्टरिंग में हम क्या करेंगे, अगर ये जो मैट्रिक्स के रूप में जो कलर सेव हुए हैं उसमें हम जो सेम कलर वाले हैं उसको एक क्लस्टर में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इस एरिया में लगभग डार्क ब्लू कलर है, तो इसको हम सिंपल एक ही कलर करेंगे। जो इतने सारे जो कलर्स हैं इसमें, इसमें बहुत सारे कलर होंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल आप इस वाले एरिया में देख सकते हो जहाँ पर बहुत सारा ब्लर है, यहाँ पर बहुत सारे कलर यूज हुए होंगे। तो हम क्या करेंगे, गेमिंग क्लस्टरिंग एल्गोरिदम से यहाँ के सारे कलरों को हम सेम कर देंगे। जहाँ जहाँ पर कलर थोड़ा सेम है उसको हम लगभग सेम कलर कर देंगे, और वो लगभग पेंटिंग जैसा कलर लगता है। और जिन लोगों को पता है कि गेमिंग क्लस्टरिंग क्या होती है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में, तो आपको पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता है, डोंट वरी, हम डायरेक्ट अभी इसको मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो फिर हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम np.float32, फिर उसको रीशेप करना होगा। ये मशीन लर्निंग में काफ़ी बेसिक चीज़ें होती है कि मैट्रिक्स को हम रीशेप वगैरह करते हैं। जैसे अभी मैं जो रीशेपिंग कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ -1,3। इसमें होगा क्या, एक्चुअली जो रो होगी वो तो लगातार बढ़ती ही जाएगी, मतलब जो इमेज है उसकी जो भी मैट्रिक्स रही होगी उसको हम तीन कॉलम और जितनी भी जो रो बनेगी उस पर हम कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कन्वर्जन है। अगर आप इसे सीख सकते हो कभी भी आसानी से, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि कैसा होता है, तो आप इसको जुपिटर नोटबुक में आप देख सकते हो। तो डेटा जो है, हमने इसमें जो मैट्रिक्स थी हमारी इमेज वाली उसको हमने यहाँ रिसेव कर लिया है डेटा में। फिर नेक्स्ट हम जो है इसमें क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। तो क्राइटेरिया क्राइटेरिया इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लगाएंगे पैरेंथेसिस, उसके बाद हम cv2 टर्म क्राइटेरिया EPS, ओके। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूसरी वैल्यू, वो है cv2 टर्म क्राइटेरिया मैक्स, ओके। तो ये है वैल्यू। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे इसमें मैक्सिमम जो इटरेशंस होते हैं उसको पास करेंगे। इटरेशन का मतलब यह है कि जब कलर क्वांटाइजेशन होगी इसमें, तो वो कुछ के की जो है रैंडम वैल्यूज़ वगैरह लेता है, और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ में पीछे से होती है जब हम इसे बार बार इटरेट करते हैं इस लूप को, जिससे हमको सही जो सेंट्रोइड है वो मिल पाए। तो फिलहाल अभी मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। तो 20 इटरेशन होंगे और हमको लगभग एक्यूरेसी कितनी चाहिए, तो हम इसको अभी फिलहाल 0.001 तक रखेंगे, 0.001 इतना अभी काफ़ी है। और मैं कहूँगा जो वैल्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ आप इन्हें ही यूज करें। नेक्स्ट उसके बाद हम कुछ वैल्यू जो है हम फंक्शन से लेंगे, जो हमको केमीन वाला फंक्शन जो है हमें देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे कुछ, ओके। और लास्ट जो है हमारा सेंट्रॉइड जो है वो हमारा वो, और इज इक्वल्स टू cv2.केमीन, और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद सबसे पहले इसमें हम डेटा जो हमने ऊपर मैट्रिक्स रिसेव की थी, नेक्स्ट उसके बाद हम जो इसमें डालेंगे वो डालेंगे के की वैल्यू, जो हम अभी बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसमें के की वैल्यू को सेंड करेंगे, कि हमको कितने क्लस्टर्स इसमें चाहिए होंगे वो सब आगे मैं अभी बताऊंगा आपको। नेक्स्ट आपको नन पास करना है। ये सारी चीज़ें आप जो है डायरेक्ट यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, वरना मैं जो चीज़ आपको बतानी है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये बेसिक बिगिनर्स के लिए भी ये वीडियो हो पाए। फिर उसके बाद हम क्राइटेरिया वाला जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था वो पास करेंगे। फिर नेक्स्ट एक कॉमा लगाएंगे, फिर नेक्स्ट डालेंगे इसमें वैल्यू 10। अटैम्प्ट्स इसमें डालेंगे, अटैम्प्ट्स मतलब जो होता है यहाँ पर लिखा है, देखिए अगर आप के मीन अगर आपने पढ़ा है तो आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो बाकी मैं इसे नेक्स्ट सीधे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ आगे, ताकि ये वीडियो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने। तो उसके बाद आपको फ्लैग पास करना है cv2.केमीन रैंडम सेंटर्स। फिर नेक्स्ट हम यहाँ से एंटर करेंगे। अब जो है हमको ये लेबल और सेंटर मिल जाएंगे जो सेंट्रॉइड होंगे उस कलर के, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। सेंटर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे np. अब इसे हम चेंज करेंगे सबसे पहले इंटीजर में, हम दोबारा इसको जो है इंटीजर में चेंज करेंगे सबसे पहले। आपको ये नॉर्मल चीज़ है अगर आप पढ़े होंगे NumPy के बारे में नॉर्मल। फिर उसके बाद हम रिज़ल्ट, अब हम रिज़ल्ट वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उसके अंदर हम वैल्यूज़ को डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे सेंटर, और यहाँ पर हम डालेंगे लेबल
डॉट फ्लैटन। अब एक्चुअली इसमें होगा क्या, जो लेबल है उसमें हमें कुछ वैल्यूज़ मिलेगी जो कि सेंटर्स की पोजीशन होगी। मतलब अगर हमने बाय चांस के की वैल्यू 4 पास कराई तो उसके अंदर 4 वैल्यूज़ होगी, ठीक है, कलर की जो वैल्यू होगी सेंट्रॉइड जो होते हैं वो मिलेंगे हमको, और वो लेबल जो है इसके अंदर हमको पोजीशन दी होंगी उसकी अलग अलग, बाय चांस जितने भी कलर इमेज में थे उनकी जगहों पे आप समझ सकते हो कि हमें सेंट्रॉइड दिए होंगे कि उसके कौन कौन से कलर के जो है ग्रुप बने हुए हैं, और फिर उसी से हम डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट जो है बनाएंगे। अब कुछ लोगों को ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, जिसे आप अभी तो नहीं समझेंगे, मतलब अगर आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे बाद में इस वीडियो के बाद अगर आप उसे पढ़ेंगे एक बार तो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। अगर आप मैट्रिक्स वगैरह कुछ नॉर्मल चीज़ें जानते हैं तो आप इसे जल्दी से समझ जाएंगे, अगर नहीं जानते तो आप डायरेक्ट इसे सिंपल ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ आप इसको बना सकते हो। फिर नेक्स्ट आपको एंटर करना है, रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, फिर रिजल्ट को आपको दोबारा रिशेप करना होगा इमेज के फॉर्म में, मतलब जो इमेज की जो पहले साइज थी, क्योंकि आपको याद हो हमने यहाँ पर रिशेप किया था, अब हमें दोबारा इसे रिशेप करना होगा इमेज वाले इसमें शेप में, ठीक है, क्योंकि इमेज की शेप कुछ और है। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे रिजल्ट डॉट रीशेप, रिजल्ट डॉट रीशेप, और यहाँ पर हम डाल देंगे img डॉट शेप। ये हमको रिजल्ट मिल गया है, रिजल्ट मीन्स यहाँ पर हमको जो इमेज है वो पूरी मिल चुकी है। अब बस हमको इसको रिटर्न करना है, रिटर्न रिजल्ट। ओके, तो हमारा ये फंक्शन बन चुका है। अब आप देख सकते हो हमारे पास अभी फिलहाल 3 फंक्शन है, एक तो फंक्शन जो हमको इमेज की मैट्रिक्स देगा, दूसरा एज डिटेक्शन वाली जिसमें हम एज को डिटेक्ट करेंगे, और एक इमेज देंगे जिसमें सिर्फ एज होगी, और उसके बाद तीसरा जो फंक्शन है वो है कलर क्वांटाइजेशन, जिसमें हम कलर को जो है कम कर देंगे जिससे इमेज कुछ पेंटिंग जैसी नज़र आएगी, और लास्ट जो हम अब हम करेंगे वो फंक्शन नहीं, हमारा लास्ट अब प्रोग्राम है जिसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों इमेजेस को आपस में जोड़ देंगे और फिर हमारी जो पेंटिंग वाली जो इमेज है, मतलब जो कार्टून वाली इमेज है वो बनके तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज इंपोर्ट करेंगे, तो img इज इक्वल्स टू जो हमने फंक्शन बनाया था रीड इमेज वाला, और उसके अंदर हम कोई फाइल का नाम डाल देंगे, ठीक है, तो .slash, और मैंने इमेज डाउनलोड की है तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पर हमसे पेस्ट कर देंगे, ये इमेज हमारी इंपोर्ट हो जाएगी, और इस img वेरिएबल में जो है मैट्रिक्स आ जाएगी, एक इमेज की मैट्रिक्स। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन की जो विड्थ है वो डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम डाल देते हैं लाइन विड्थ इज़ इक्वल्स टू, फिलहाल अभी इसे हम 9 रखते हैं, या फिर आप इसे और भी अपने हिसाब से रख सकते हैं वो, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे ब्लर वैल्यू, ब्लर वैल्यू को आप लगभग 7 तक रखोगे, और फिर उसके बाद हम लास्ट जो एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो है जितने भी हमारे जो उसमें कलर्स होंगे, ठीक है, तो टोटल कलर्स कितने होंगे, तो उसे आप 4 या 5 में रखेंगे, बाकी अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, तो फिलहाल अभी से हम 4 तक सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम एंटर करेंगे, और img इक्वल्स टू जो हमने एज का जो फंक्शन बनाया था हम उसको यूज करेंगे सबसे पहले, तो उससे फिलहाल img नहीं, क्योंकि img हमने ऊपर यूज कर लिया है, तो फिर हम एक अलग फंक्शन आते हैं img, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमने फंक्शन बनाया था एज डिटेक्शन वाला फंक्शन, और यहाँ पर हम पास कर देंगे इमेज, ठीक है, यहाँ पे इमेज पास कर देंगे, और यहाँ पर हम लाइन की जो विड्थ है वो पास करा देंगे, कॉमा लास्ट में जो है इसमें ब्लर वैल्यू वो उसको पास करा देंगे। नेक्स्ट, ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने जो क्वांटाइजेशन का जो हमने फंक्शन बनाया था ऊपर, यहाँ पर img इज इक्वल्स टू यहाँ पर डालेंगे हम कलर क्वांटाइजेशन, और उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले इमेज पास कराएंगे इसमें, कॉमा टोटल कलर्स। अब आप समझ रहे होंगे कि जो मैंने k ऊपर वैल्यू डाली थी, सॉरी यहाँ पे img जो है, तो जहाँ हम यहाँ पे जो वैल्यू देंगे इसको टोटल कलर्स को ऊपर, यहाँ पर वो k में जाएगी, और k मींस क्या है, यहाँ पे हमको कितने क्लस्टर चाहिए, क्लस्टर मींस हमको कितने कलर्स के ग्रुप चाहिए, ठीक है, तो आप जितने इसमें कलर की वैल्यू डालेंगे, जितनी कम डालेंगे उतने कम कलर्स आपको पेंटिंग में दिखेंगे, जितनी ज़्यादा वैल्यू डालेंगे आपको उतने ज़्यादा कलर्स आपको पेंटिंग में दिखेंगे, और आपने देखा होगा पेंटिंग में कलर्स कम ही होते हैं, अगर आप ज़्यादा करोगे तो वो इमेज जैसी ही लगेगी, नॉर्मल जो फोटो जैसी होती है नॉर्मल वैसे ही लगेगी, तो आप इसको कम से कम रखेंगे, कम से कम मीन्स 4 से ज़्यादा ही रखना, क्योंकि उससे नीचे भी
ख़राब लगने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारी दो इमेज हमको मिल गई, एक एज वाली और एक जो हमने क्वांटाइज की थी वाली इमेज, हमको दोनों इमेज हमको मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक ब्लर्ड इमेज बनाएंगे हम। ठीक है, ब्लर्ड क्योंकि जो पेंटिंग मिलेगी हमें थोड़ा सा उसे स्मूथ करना पड़ेगा उससे भी, तो सीवी टू डॉट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाइलेटरल फिल्टर। ओके, इसमें हम पास कराएंगे इमेज कॉमा डी इक्वल्स टू आज से लगभग 7 तक रखना। ये जो बाइलेटरल फिल्टर होता है वो मोस्टली यूज़ होता है नॉइस को रिमूव करने के लिए, तो अगर हमारे पेंटिंग में कोई भी नॉइस होगा तो ये हर 7-7 के ग्रुप में आप समझ सकते हो कि कलर को मैच करवा देगा। ठीक है, कॉमा उसके बाद हम डालेंगे इसमें सिग्मा कलर, सिग्मा कलर इसको हम डाल देंगे लगभग 200। फिर इसके बाद हम डालेंगे सिग्मा स्पेस और उसको भी हम लगभग 200 पिक्सल तक सेट कर देंगे। ओके, तो हमारा ये बन चुका है। अब हम इसे कार्टून नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, इसमें जो है हमारी फाइनल जो इमेज बनेगी जिसे हम ऐड करेंगे, तो सीवी टू डॉट यहाँ पर हम डालेंगे बिटवाइज एंड और देन उसके बाद हम जो भी इमेज हमको मास्क करनी है एक दूसरे के ऊपर, तो सबसे पहले ब्लर्ड इमेज जो हमारी पेंटिंग की इमेज है, मतलब जो हमने इमेज बनाई थी पेंटिंग वाली, उसी को हमने ब्लर किया है, तो हम यहाँ को ब्लर्ड यूज़ करेंगे सबसे पहले। दोबारा आपको ब्लर्ड पास कराना है, फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, इसके ऊपर मास्क चढ़ानी है। किसकी जो मास्क होगी वो किसकी होगी, होगी एड्ज इमेज की, तो यहाँ पर डालेंगे एड्ज इमेज। तो ये आपकी पूरी इमेज जो है तैयार हो चुकी है, बस आपको उसको अब सेव करना है। तो यहाँ पर डालेंगे हम सीवी टू डॉट आई एम राइट, ये क्या करता है इमेज को सेव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डालेंगे और यहाँ पर डाल देंगे हम इमेज का नाम, इमेज का नाम अभी फ़िलहाल हम कार्टून डॉट जे पी जी रखते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे हम कार्टून वेरिएबल जिसे हमें सेव करना है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इमेज की किसके अंदर है, कार्टून के अंदर। तो फाइनली ये हमारा पूरा प्रोग्राम तैयार हो चुका है, अब बारी है सर रन करने की, तो इसे हम सेव करेंगे। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है, अब हम इसे रन करेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एक इमेज है, अब हमें इसे रन करना है। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे दो इमेज आ गई है, ये है हमारी कार्टून इमेज जो फाइनली दो इमेजेस में से मिलके बनी हुई है, ये आप देख सकते हो। मैं इस इमेज को भी ओपन कर लेता हूँ और दूसरी इमेज को भी ओपन कर लेता हूँ कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी इमेज है और ये हमारी पेंटिंग वाली इमेज यानी कार्टून इमेज है। आप देख सकते हो दोनों में कितना अंतर है। अब जो मैं के मीन क्लस्टरिंग की बात कर रहा था वो आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हो। देखिए इतने एरिया का कलर कुछ सेम है, तो उसने इस पूरे एरिया को सेम कलर ही दे दिया, मतलब इसने ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करे, इतने सारे जो अलग अलग कलर दिख रहे हैं हमको उस कलर को उसने सिर्फ एक कलर कर दिया। और सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर कलर हैं उसको कुछ एक कलर दे दिया, और यहाँ पर जो जहाँ पर लाइट ब्लू है और जहाँ पर डार्क ब्लू है वहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से कलर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। इमेज बिल्कुल वही है, सिर्फ उसको जो है क्वांटाइज कर दिया है कलर को, तो सिर्फ पेंटिंग जैसी दिख रही है उससे। और दूसरी जो हमने एज डिटेक्शन की थी उसको हमने इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एजेस आपको दिख रही है, ये वही इमेज है जो हमने एज डिटेक्ट की थी। तो फाइनली आप सीख चुके होंगे कि कैसे ये प्रोग्राम काम करता है और कैसे आप एक कार्टून इमेज बना सकते हो, कैसे आप पेंटिंग इमेज बना सकते हो, दोनों सिर्फ एक ही बात है। सिर्फ मैंने क्या किया है, एक अलग से उसके ऊपर एक एच की एक लेयर चढ़ा दी। अगर आप उसको नहीं करोगे तो सिंपल एक पेंटिंग इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये रही आज की पूरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप नीचे इंस्टाग्राम पे दिए हुए जो लिंक हैं उस पे जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे इसमें कोई क्वेरी तो होगी नहीं क्योंकि काफ़ी छोटा प्रोग्राम है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मैंने प्लेलिस्ट वगैरह बनाई हुई है, तो अगर आपको वो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।